दोस्तों भारत जो अपना खुफिया प्रोजेक्ट बना रहा था अब वे कंप्लीट हो गया है, जिसने पूरे चीन में हाहाकार मचा दिया है। बता दें कि भारत ने अब S-500 की तुलना में भी बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, जो भारत को 360 डिग्री सुरक्षा प्रोवाइड करवाएगा। यानी अगर भारत को सेंटर में ले ले तो उसके 360 डिग्री के आसपास कुछ भी नहीं होने वाला है, और यह 400 क्या 800 किलोमीटर से भी ज्यादा तक वार कर सकता है। क्या है यह प्रोजेक्ट और भारत ने आखिर क्या कंप्लीट किया है, उसके बारे में अब आपको इस वीडियो में डिटेल में बताते हैं, जिसे जानने के बाद आप खुद जरूर सोचेंगे कि आप चाइना यूनाइटेड नेशन में जाएगा और भारत के खिलाफ इसके बदले में कुछ ना कुछ साजिश जरूर रचेगा। अब इस वीडियो में आपको बताते हैं उस खुफिया प्रोजेक्ट की कंप्लीट जानकारी जो भारत ने बनाया है, जिसे S-500 का बाप कहा जा रहा है। दोस्तों चीन और भारत के बीच अक्सर टेंशन होती रहती है। मान लो कभी चीन ने भारत पर परमाणु मिसाइल से हमला कर दिया तो भारत का डिफेंस सिस्टम उसको वहीं पर उसी जमीन पर मारकर नष्ट कर सकता है। इसके साथ ही दोस्तों भारत के DRDO ने BMD शील्ड को तैयार कर लिया है, जिसने भारत के काम आने वाली 3500 इंच की मिसाइल का टेस्ट भी किया है। ऐसे में किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि BMD को लेकर भारत ऐसा भी कर सकता है। दोस्तों BMD शील्ड पर AD-1 और AD-2 के साथ भारत दो और मिसाइलों की तैनाती करने वाला है। इसके साथ ही BRAK-8 को भी यह रिप्लेस कर देगा और एक और घातक मिसाइल इस पर लगाई जाएगी, और इस BMD शील्ड का ऐलान खुद DRDO के चीफ ने किया है। DRDO ने यह खुशखबरी दी है कि सबसे खतरनाक और घातक सिस्टम 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा, और इस साल इसे बनाने का काम काफी तेजी से हो रहा है। इसको लेकर प्लान भी तैयार किया जा चुका है, ऐसे में जल्द ही इसका काम कंप्लीट कर लिया जाएगा और यह अपनी पूरी कैपेबिलिटी पर काम करना शुरू कर देगा। ऐसे में DRDO के चीफ ने बताया है कि इसका काम अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है, और इसलिए भारत इसे 2 साल से भी कम समय में पूरी तरह से तैयार कर लेगा। दोस्तों DRDO इस सिस्टम के जरिए देश की जनता को परमाणु मिसाइलों से सुरक्षा प्रदान करेगा, इसलिए इसको काफी ज्यादा ध्यान से तैयार किया जा रहा है। DRDO शील्ड के लिए AD-1 और AD-2 मिसाइलों का सफल परीक्षण कर लिया गया है। इसके बाद BMD शील्ड हमारे देश की रक्षा करने लगेगा और देश पर आने वाले किसी भी खतरे को 5000 किलोमीटर दूर से ही मारकर गिरा देगा, क्योंकि इसमें खतरनाक एरोल्ड मिसाइल लगाया जाएगा जो बराक मिसाइल के मुकाबले कहीं ज्यादा कैपेबल और खतरनाक होगी। ऐसे में DRDO अब इसे स्वदेशी और ज्यादा शक्तिशाली बनाने पर काम करने में लगा है। इसलिए अब तक जो भारतीय नौसेना के जहाजों पर BRAK-8 मिसाइल लगी होती थी, अब उन्हें रिप्लेस किया जाएगा और अब इसकी जगह पर और ज्यादा घातक और खतरनाक एरोल्ड मिसाइल को लगाया जाएगा, जो BRAK-8 के मुकाबले कहीं ज्यादा कैपेबल और खतरनाक होगी। इससे भारतीय नौसेना की शक्ति में कहीं ज्यादा इजाफा हो जाएगा और BMD शील्ड का दायरा भी बढ़ेगा। इसके साथ ही दोस्तों BMD शील्ड में DRDO अब और दो मिसाइलों को ऐड करने वाला है। इसके बारे में DRDO चीफ ने बताया है कि जिन दो मिसाइलों को लगाया जाएगा उनको जल्द ही BMD शील्ड का पार्ट बना दिया जाएगा, और जब यह मिसाइल BMD शील्ड में लगेगी तो उसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों BMD शील्ड को इस तरह से तैयार किया गया है कि एक मल्टी लेयर सिस्टम है और इसमें कई अलग अलग किस्म की मिसाइलों को फिट किया गया है, यानी दुश्मन के हर एक हमले के लिए इसमें हर तरह की मिसाइल लगाई गई है, जो इसको और खास बनाता है। इसलिए इसे मॉडर्न इंडिया का अब तक का सबसे बेहतरीन हथियार कहा जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों जो पांचों वीटो धारक देश हैं, वे बरसों पुरानी नीतियों के साथ अब दुनिया पर राज करेंगे तो यह अब संभव नहीं है, क्योंकि भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील जैसे ताकतवर देश भी इस दुनिया में रहते हैं, और यह देश अब पीछे हटने वालों में नहीं। या तो पांचों का वीटो रद्द होगा या फिर भारत, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को वीटो मिलेगा। इस पर वर्ल्ड स्तर पर चर्चा होगी। जो 75 सालों से पांचों वीटो धारक देश है, जो बाकी वर्ल्ड को ब्लैकमेल करते हैं, जो डिजर्विंग देश है, जिन्हें वीटो मिलना चाहिए, उसे किसी ना किसी एक देश का समर्थन नहीं मिलता, जिसकी वजह से वह बेचारा देश पीछे हो जाता है और उसे वीटो नहीं मिल पाता। उन्हीं में से एक देश है हमारा महान भारत।
इस देश से निकले हुए लोग गूगल के सीईओ बनते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बनते हैं। एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, फिर भी उसे वीटो नहीं दिया जाता। दरअसल दोस्तों, वैसे तो भारत यूएनएससी के अंदर काफी समय से यह डिमांड करता आया है, लेकिन इस बार ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत ने साफ साफ दुनिया से यह सवाल पूछा है कि आखिर इन पांच देशों के पास ऐसा क्या है कि ये 188 देश जिनको वीटो पावर नहीं मिली है उनसे अलग है और उनसे श्रेष्ठ है। ये पांच देश आपस में ऐसे लड़ते हैं कि यूएन इनकी वजह से कुछ भी काम ठीक से नहीं कर पा रहा है और इनकी प्रभावशीलता यूएन में काफी ज्यादा है। और इस बात से पता चलता है कि चीन और रूस इन दोनों देशों का नाम बदलने हैं। चीन का नाम आज भी ताइवान रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है और चीन के राष्ट्रपति ने जो कुर्सी ली हुई है उसका नाम भी ताइवान रिपब्लिक ऑफ चाइना है। सेम यही केस रूस के साथ है, उसकी सीट का नाम यूएसएसआर है और वह उसे चेंज नहीं करने दे रहा। ऐसे में यह बात बताती है कि ये पांचों देश से कभी भी सहमति पर नहीं पहुंच पाते और एक तरीके से पूरी दुनिया के लिए ये मिलकर ब्लैकमेल करने का काम करते हैं, क्योंकि जब यूएनएससी और यूएन नाम नहीं बदल सकते आपसी सहमति से, हम उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं कि वे दुनिया की परेशानियों का समाधान निकालेंगे। और सबसे बड़ी बात जो भारत ने कही है वह यही है दोस्तों कि कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन है, मान लो कि यूएन है, वह मिटेगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके ये खत्म होता चला जाएगा और इसकी वैल्यू घटती जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत हो रहा है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, भारत के पास परमाणु क्षमता भी है, इसके बावजूद भी भारत को यूएनएससी में शामिल नहीं किया जा रहा। ऐसे में भारत की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि अगर भारत को वीटो नहीं दिया जा रहा है तो फिर उन पांचों देशों को क्यों दिया जा रहा है, और ऐसे में उन पांचों देशों का भी वीटो रद्द किया जाना चाहिए, ऐसा जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इससे पहले वीटो पावर पर भारत ने एक और बड़ा बयान देते हुए बात खुलेआम कही थी कि आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मौजूद स्थायी देश अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं और इस संगठन में नैतिक मूल्यों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा, जिसका नतीजा हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे संयुक्त राष्ट्र लगभग हर बड़ी वैश्विक चुनौतियों को काउंटर करने में नाकाम रहा, चाहे हम फूड क्राइसिस की बात करें या एनर्जी क्राइसिस की बात कर ले या फिर यूक्रेन वार की। यूनाइटेड नेशन ने हर जगह काफी खराब परफॉर्मेंस दिखाई है, जिसकी वजह से अब अधिकतर देशों का भरोसा इस संगठन से उठ चुका है और यही वजह है कि भारत अब इस बात को पूरी तरह से साफ कर चुका है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रिफॉर्म होना चाहिए और यह भी जरूरी है कि यह सभी बदलाव हर देश को बराबर रिप्रेजेंटेशन और पावर देते हो, क्योंकि सिर्फ तभी हम इन्हें सही मान सकते हैं। और यही वजह है कि आजकल भारत के बयान मौजूदा अस्थायी सदस्यों को काफी परेशान कर रहे हैं। दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।